आघाडीची त्याची आम्ही वाट बघतो। चर्चा नहीं माजी त्यांच्या बरोबर काही ही चर्चा नहीं आणि आमची असणारी चर्चा जी आहे ते डॉक्टर धैर्यवान फुंडकर आणि त्यांची टीम जी आहे ती करते। त्यांनी जे काही आम्हाला सर फीडबॅक दिले की ही हा फॉर्म्युला तिथे मांडल्यानंतर त्यांची इंटरनल चर्चा होणार आहे ते इंटरनल चर्चेमध्ये ते मग निर्णय घेणार आहे त्याच्यावर। माझं बोलणं टेलिफोनवरनं त्यावेळेस झालं होतं त्याच्यानंतर नाही झालेलं। सर तुम्ही एक स्टेटमेंट दिलं होतं की इंडिया आघाडीसारखी परिस्थिती महाविकास आघाडीची देखील होणार ही सुरुवात झाली का कारण का अशोक चव्हाण यांनी देखील आता काढता पाय घेतलाय महाविकास आघाडीची। माझं म्हणणं असं आहे की काँग्रेस पक्ष असेल इतर पॉलिटिकल पार्टीज आहेत कार्यकर्ते नेते सांभाळावे याच्याबद्दल दुमत नाही पण पॉलिटिकल पार्टी ज्यांच्या ज्यांच्याबरोबर समझौता करते करू इच्छी मागते त्याच्यामध्ये एखादा कोणतरी शुक्राचार्य भूमिका घेतो की यांच्याबरोबर आपण करू नये। माझं म्हणणं असं आहे की तिथे त्या त्या इंटरनली पॉलिटिकली चर्चा घेऊन एकतर त्याचा हा निर्णय का घेतोय तो समजून सांगण्यात यावा आणि ते समजून सांगितल्यानंतर सुद्धा त्यांना जर मान्य नसेल तर मला वाटतं असणारा डिसिजन घेणं हे सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे। आता मागच्याही लोकसभेमध्ये आम्ही असणारं सर्वांबरोबर समझौता करण्यासाठी आमची ओपन भूमिका होती त्याही वेळेस अशी काही इंडिव्हिज्युअल्स होते की ते म्हणत होते करण्याची गरज नाही आहे आणि आज आपल्याला दिसतंय की त्याच्यापैकी काही जणं जे आहेत ते बीजेपीच्या गळाला लागलेले आहेत असं दिसतंय। तर बीजेपीने आपल्या पक्षामध्ये काही माणसं प्लांट केलेली आहेत का याचा सुद्धा राजकीय पक्षाने विचार करावा हा महत्त्वाचा आहे। सर काल अशोक चव्हाण भाजपमध्ये गेले अजूनही काही काँग्रेसचे लोक आमदार जाण्याची शक्यता आहे का काय होतं हवेमध्ये तर चर्चा आहे की अनेक जण जातील असं। माझं सरळ म्हणणं असं आहे की मी अगोदरच इथल्या पॉलिटिकल सिस्टमला वॉर्न केलं होतं की नरेंद्र मोदी हे रिंगमास्टर आहेत जे जे इन्क्वायरीखाली आहेत आणि जे जे इन्क्वायरीखाली येऊ शकतात करप्शनच्या चार्जेसखाली मोदींना ज्यांना ज्यांना नाचवायचं आहे एकतर ते नाचायला तयार होतील किंवा नाचायचं नसेल तर ते बीजेपीमध्ये सहसा सरळ निघून जातील। शरद पवार यांच्या गटाच्या आमदारांनी संदर्भात उद्या निर्णय लागणार आहे पात्रते संदर्भात आणि आज अशी चर्चा सुरू आहे की काँग्रेस आणि शरद पवार मध्ये मीटिंग काँग्रेसने जसा प्रस्ताव दिला अशा पद्धतीची माहिती होती शरद पवारांनी मला माहित नाही। सर तुम्ही माझ्याशी कोणी ह्या गोष्टी शेअर केलेल्या नाहीत नाही देर आता मी ज्योतिषी अजून झालेलो नाही। सर तुम्ही महाविकास आघाडीसोबत बैठक घेतली गेली अशोक चव्हाण यांनी महाविकास आघाडीचा साथ सोडलेला आहे पक्षाचं जे नेतृत्व आहे ते याला कारणीभूत आहे म्हणजे सर आरोप जो आहे तो नाना पटोले यांच्या नेतृत्वावर जात आहे तुम्हाला काय वाटतंय की त्यांचं नेतृत्व कमी पडतंय का कारण का तीन मोठे चेहरे गेलेले आहेत आता काँग्रेस पार्टीनेच याच्यावरती असणारं उत्तर दिलं पाहिजे की अशोक चव्हाण का गेले काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनीच त्याचं उत्तर दिलं पाहिजे इतर जण कोणीच त्याच्यावरती माझ्यांना उत्तर देऊ शकणार नाहीत असं मला स्वतःला वाटतं। सर नारायण राणे यांनी ट्विट केलेलं आहे जरांगे पाटील यांच्या विरोधात जरांगे पाटील यांनी काल एक वक्तव्य केलं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महाराष्ट्रामध्ये फिरू देणार आहे तर त्यांनी असं ट्विट केलेलं आहे की जरांगे पाटील यांनी त्यांची मर्यादा जी आहे ती ओलांडली आहे आणि जर मोदी महाराष्ट्रात आले तर असल मराठा समाज काय असतो हे आम्ही जरांगे पाटील यांना दाखवून देऊ। नो कॉमेंट्स।
जरांगे पाटिल दोबारा अनशन पर बैठे हैं। उनकी दो मांगे थी, एक कुनबी मांग थी और दूसरा जो था गरीब मराठा जो है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो आरक्षण मराठा आरक्षण की बात वहाँ पर थी, सरकार ने अधूरी रखी थी और यही कहा कि एकनाथ शिंदे का जो कमीशन बैठा है उसके बाद में इसका फैसला लिया जाएगा। और ये भी बताया गया था कि अधिवेशन जो है सरकार लेगी और उस पर निर्भय होगा और उस पर निर्णय होगा। लेकिन अभी दिखाई दे रहा है कि शासन अधिवेशन इस इश्यू पर होगा या नहीं होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता लगने की उम्मीद है और उसके पहले महाराष्ट्र असेंबली बुलाना ज़रूरी है और बजट पेश करना ज़रूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। वोट एंड अकाउंट लेना ज़रूरी है, तो उसमें अगर ये ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी। अनशन पर बैठे हुए जारांगे पाटिल, इनकी तबीयत जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, उनके नाक से खून बह रहा है ऐसा बताया जा रहा है। हम लोग ने उनको पार्टी की तरफ से एक संदेशा भेजा है कि एक पॉलिटिकल लड़ाई है, आप अपने शरीर से इसके साथ में लड़ रहे हो, उसके साथ में बैठ के आपको पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़नी होगी और ये पॉलिटिकल लड़ाई आपको लड़नी है तो आपको इस लोकसभा में जालना की कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट करना होगा और वो कॉन्टेस्ट जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, तो इंडिपेंडेंट आपको कॉन्टेस्ट करना होगा। क्योंकि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाते हो तो जिस तरह से दूसरे आमदारों का मुंह दबाया जाता है वैसे आपका भी आवाज़ दबाई जाएगी और आपको कहने का बात नहीं होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जरांगे पाटिल जो है ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसको समझ में लेते हुए इलेक्शन के बारे में लड़ने के बारे में जो है वो भूमिका लेंगे और लोगों को बताएंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। देखिए जब हमने सुझाव ही दिया है तो इसका मतलब यही है कि हम उसको उनके साथ रहेंगे, लेकिन उनसे यही कहेंगे कि ओबीसी का आरक्षण अलग होगा और मराठा समाज का आरक्षण जो है वो अलग होगा, दोनों को मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। कुनबी की मांग तो उनकी पूरी हो चुकी है, मतलब तो कुनबी तो पहले भी था वहाँ पर, तो इसलिए उनका जो ये था कि रिश्तेदारों की बात वहाँ पर थी तो उस पर अभी तक सरकार ने कोई स्पष्टता नहीं दी है कि रिश्तेदारों का होगा या नहीं होगा। थैंक यू, मराठी ह्याच्यावरतीच आपण आज थांबू इथे। मला तर हा इश्यू थोडासा महत्त्वाचा आहे, नेक्स्ट टाइम आपण त्याच्यावरती बोलू। सर, एमबीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई डिस्कस नहीं निकल पा रहा है, आप भी गए थे पिछली बैठक में, क्या लग रहा है कुछ नतीजा निकलेगा, सीट शेयरिंग हो पाएगी, आपकी हिस्सेदारी कितनी रहेगी? देखिए हमने उस पर जो मीटिंग हुई थी उस पर एक बात एमबीए को बताई दी थी कि वो अपने आप में अगर 48 सीटों का बंटवारा करे तो हमको कोई एतराज़ नहीं है, जो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके साथ में बैठ के हमको जो सीट चाहिए उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। अगर उनका अगर समझौता नहीं हुआ है तो मैंने उनसे कहा कि हर पार्टी की डिमांड जो है वो पूल करते हैं और पूल करने के बाद जो इंडिविजुअल सीट्स है उस पर फैसला हो जाएगा कि भैया ये सीटें उनको दी है। जहाँ दो पार्टियाँ मांग कर रही है, तीन पार्टियाँ मांग कर रही है, चार पार्टियाँ मांग कर रही है, जहाँ दो है वो दोनों बैठ के फैसला करे कि कौन छोड़ने के लिए तैयार है, कौन लड़ने के लिए तैयार है। जो तीन है वो तीनों पार्टी तय कर ले, जहाँ चार है वहाँ पर चार तय कर ले, जहाँ पर डिसीजन नहीं होता है वो कमेटी बैठ के फैसला करेंगे। अगर ये सिस्टम अगर अपनाते हैं तो मैंने उनसे कहा कि भैया समझौता जल्दी हो सकता है। सर,
लेकिन लेट हो रहा, आपको लगता है इसी वजह से नेता भी छोड़कर जा रहे हैं पार्टियों का? नहीं, नेता और सीट शेयरिंग का कोई संबंध नहीं, जिनको जाना है वो तो जाएंगे ही, क्योंकि उनको जेल से बचना है। मैंने तो पहले कहा कि मोदी जी का फंडा एक ही है, आप अगर हमारे पास आओ तो आप गंगा में धुले हुए बन जाओगे, नहीं तो आप तिहार में दिखाई दोगे। अभी एक खबर आई थी एनसीपी और कांग्रेस के मर्जर की, हालांकि एनसीपी डिनाई कर चुकी है, इस पर आपकी क्या? आप मेरे ख्याल से जब डिनाई कर चुकी है तो बातचीत का गुंजाइश ही नहीं है, खत्म हो गई वो तो। फंडोरेंच्या विजयाविषयी आपल्याला काय वाटतं? फंडोरे निवडून येतील? नो कमेंट्स। जर मागासवर्गीय आयोगावर चंद्रलाल मेश्राम यांची उचल मागणी करण्यात आलेली आहे मराठा आरक्षणा संदर्भात, त्यांच्या भूमिकेवर वाद निर्माण होतोय असं वाटतंय? मला जेवढी माहिती आहे त्याच्यामध्ये कलेक्शन ऑफ डेटाच्या सिस्टमवरनं त्यांचा वाद आहे, कारण त्यांचा जो काही आक्षेप मला असताना दिसतोय की ज्या पद्धतीने डेटा कलेक्ट केला जातोय त्या पद्धतीतच दोष आहे, आणि त्या दोषामुळे गरीब मराठ्याला आरक्षण मिळणार नाही अशी एकंदरीत त्यांची भाषा असं मी त्या ठिकाणी बघतोय। सर आपने एक पेटिशन फाइल हुई है? जे मालूम नहीं मुझे कोई पेटिशन की, कोई जानकारी नहीं है। सर मनोज दरांगे संदर्भात बोलताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची यांनी सांगितलं डोक्यावर पडलेला माणूस आहे तो काही बडबड करतो, आणि आता त्यांनी मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न दरांगेचा सुरू आहे असं वक्तव्य एका चळवळीतल्या व्यक्तीबद्दल केलं जातंय, कसं बघता नारायण राणेंच्या वक्तव्याकडे? राजकारणाचा स्तर हा पूर्णपणे खालावलेला आहे, एकमेकांबद्दल जो आदर पाहिजे तो आदर राहिलेला नाही, आणि अशा या वक्तव्यातून पुन्हा ते अधोरेखित होत आहे। महाराष्ट्राच्या जनतेला आमचं आव्हान आहे की हे जे सत्ताधारी जे आहेत यांची अवस्था गढूळ पाण्यासारखी झालेली आहे, किंवा गढूळ पाणी हे काही पिण्यालायक नसतं, ते बदलावं लागतं, फेकून द्यावं लागतं। येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये लोक नवीन पाणी भरतील असं मी त्या ठिकाणी अपेक्षा बघा। महाराष्ट्र में महाविकास आ रहे हैं तो कमजोर करने के लिए बीजेपी सबको ऑफर दे रही है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, आपको भी इस तरह का कोई ऑफर आया है? देखिए बीजेपी की ये जो ऑफर है मैं ये मान के चलता हूँ कि 370 रद्द करने के बाद, राम मंदिर का निर्माण करने के बाद, कॉमन सिविल कोड की भाषा करने के बाद, और कुछ उनके स्टेटों में लागू करने के बाद भी जब दूसरे पार्टियों को ख़त्म करने की बात होती है तो मैं ये समझता हूँ कि उनके पाँव के नीचे की मिट्टी खिसक गई है, और उनको ये लगता है कि अपने को अगर बचना है कि दूसरे का मकान तोड़ दो, उनका मकान टूट गया तो अपना जो है वो साबुत रहेगा, ऐसी उनकी राजनीति है। इसलिए ये पूरी तरह से डर चुके हैं ऐसा मैं मान के चलता हूँ। नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर टीएमसी खुद लड़ रही है कांग्रेस के बिना, आम आदमी पार्टी पंजाब दिल्ली गोवा में अपने आप लड़ रही है इंडिया अलायंस के बिना, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हटाने का कार्यक्रम है वो ऑलमोस्ट पेपर पे समाप्त हो? मेरे हिसाब से जो है वो जो इलेक्शंस हुए बंगाल में इलेक्शंस हुए बीजेपी सफाई हुई, आज जो है पंजाब में इलेक्शंस हुए बीजेपी सफाई हुई, बिहार में इलेक्शंस हुए बीजेपी वहाँ पे सफाई हुई, तो ये उनका सफाया होते जा रहा है। और आज जो है वो किसानों का आंदोलन दोबारा शुरुआत हो चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो राम मंदिर का जो मामला था, और ये कह रहे कि राम मंदिर के इशू पर हम लोग आएंगे, किसानों ने उस मामले को तो तहस नहस कर दिया और MSP प्राइस का कानून बनाने की बात की है, अभी तो ये बना भी नहीं सकते, सिर्फ ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। थैंक यू। चल अच्छा आ गया सेपरेट इंटरव्यू।